भी हूँ। प्यू 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 प्यू। देखो सीधा बाहर जाना अपनी प्रीता मामा के पास, चलो जाओ। अरे पियू पियू पियू, कहाँ जा रहे हो? मम्मा ने मुझे बाहर बुलाया। अरे अरे पियू, वो एक्चुअली पियू झूठ बोल रही है, उसे प्रीता ने नहीं बुलाया, बट डोंट वरी, मैं उसके साथ जा रही हूँ, उसके साथ ही रहूंगी। छोटी है ना तो आसपास कोई होना चाहिए। अब प्लीज ध्यान रखना। अच्छा भैया, हम यहाँ खड़े क्या सोच रहे हैं? चलो ना पटाखे जलाते हैं और दिवाली मनाते हैं। इस बार कोई पटाखे नहीं फोड़ेगा। ऋषभ बेटा, मॉम के कहने का ये मतलब है शगुन के पटाखे। अरे मम्मी को पटाखे फोड़ने की क्या जरूरत है, मम्मी तो आप पटाखा है। जब भी बकेगा गंद ही बकेगा। पटाखा गलत मत बोलो आपको। और क्या माँ को बोल रहा है? चलो चलो चलिए ना, दिवाली की रौनक देखते हैं। आप पटाखा नहीं, बड़ा वाला पुत्र तू भी चल। क्या हुआ शिष्य, तुम मुझसे ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो यार? कैसे बिहेव कर रही हूँ? तुम्हें मार रही हूँ, तुम्हें डांट रही हूँ, पीट रही हूँ तुम्हें। कुछ किया मैंने? कुछ नहीं किया, यही तो प्रॉब्लम है शिष्य। आज त्योहार का दिन है या दिवाली का दिन है, तुम मुझे सुबह से अवॉइड कर रही हो, इग्नोर कर रही हो। देखो अगर मुझसे कोई गलती हो तो I'm sorry. तो प्लीज मुझे अवॉइड मत करो यार, ये बिहेवियर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अच्छा तो मुझसे बर्दाश्त हो रहा है? तुम्हें लग रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है तुमसे ना बात करके, तुमसे झगड़ा करके, तुमसे नाराज होके? बट आई एम सॉरी, मेरे पास है ना कोई ऑप्शन नहीं है। अरे बस सृष्टि मेरी बात सुनो यार, लड़ना जरूरी है क्या सृष्टि? हर बात में लड़ना झगड़ना जरूरी है क्या? हाँ हर बात में लड़ना झगड़ना जरूरी है। पर क्यों? क्योंकि अगर मैं नहीं लड़ूंगी ना तो तुम मिस्टर एटीट्यूड बनकर मेरे आमने सामने घूमोगे, लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी रोल रिवर्स हो गया है। मैं मिस एटीट्यूड बनके घूम रही हूँ और तुम मुझे भाव दे रहे हो, लट्टू की तरह मेरे आगे पीछे घूम रहे हो, मेक श्योर कर रहे हो कि तुम मुझे ज्यादा परेशान ना करो। मैं रूठी हूँ तो मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हो, और तुम्हें पता है मुझे अभी कैसा लग रहा है? कैसा? बहुत अच्छा, एकदम प्रिंसेस जैसा। रियली सृष्टि? हाँ रियली। मतलब तुम गुस्सा नहीं हो, गुस्सा होने की एक्टिंग कर रही हो? You too much, yeah. Seriously, you too much. अरे अरे, गुस्सा क्यों होते हो? थोड़ी सी एक्टिंग कर ली तो क्या कर लिया, तुमसे कुछ ले लिया क्या? जरा सी अटेंशन ही तो लिए तुमसे। ये सब अटेंशन के लिए सृष्टि? तुम्हें आइडिया भी है मैं कैसा फील कर रहा था? मैं सुबह से परेशान हूँ, तुम मुझे अवॉइड कर रही हो यार, मुझसे बात नहीं कर रही, टॉन्ट मार रही हो, कैसा फील कर रहा था यार मैं? यार सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं वो सॉरी, मुझे घर जाना पड़ेगा क्योंकि मम्मा और जानकी आंटी घर पर है और दिवाली की पूजा भी है, तो वो मुझे जाना, आई एम सो सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा। अरे अरे अरे, कहाँ भाग के जा रहे हो? क्रैकर्स दिखाओ, कौन से क्रैकर्स? प्रीता तुम ना पीहू की टेंशन बिल्कुल मत करो, मैं पल पल इसके साथ रहूंगी, तुम अपने दिए जला लो। दिए तो मैंने जला दी, कुछ और काम कर लो। ओह अच्छा ठीक है, तो तुम पीहू के साथ ही रहना, ठीक है? और बड़े क्रैकर्स नहीं जलाना, छोटे छोटे जलाना, ठीक है? करण पीहू यही रुको, बेटा देखो अभी सब बाहर आ रहे हैं ना, तो ये आप मुझे दे दो, मैं आपको बाद में देती हूँ, अभी आप इसे रख लो, इससे खेलो। हाँ मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे नाराज नाराज से हो? हूँ तो मैं ये आलू फूल दे रही हूँ।
बच्चू। कौन से दिलाओगे आप? ये वाले। नाराज हो भी तो मत हो ना। क्यों नहीं हूँ, मैं तो हूँगा। अरे मेरी बात सुन, देखो नाराजगी उदासी गिले शिकवों के लिए ना जिंदगी बहुत छोटी होती, कल को पता नहीं क्या हो। मेरा मतलब जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो हमें किसी भी बात का गम नहीं होना चाहिए, पछतावा नहीं होना चाहिए कि वो दिन जो गया था ना जब हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे को अपना पूरा प्यार दे सकते थे, पर हमने दिया नहीं, ये सोच के हमें पछताना नहीं चाहिए ना। तुमने इतनी इमोशनल बातें की तो मैं तुमसे इतना नाराज हो जाऊंगा कि तुम मुझसे तुम मुझे मानो कि मैं तब भी नहीं मानूंगा। भाभी भाई अभी बेटर फील कर रहे हैं, कृतिका उनकी देखभाल कर रही है, उनके साथ ही। डॉक्टर साहब पीयू ठीक है ना, ज्यादा चोट तो नहीं आई? जी हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं क्या बोलूँ आप खुद ही देख लीजिए, ये तो बिल्कुल ठीक है। और तो और मेरे स्टेथोस्कोप को भी छीन कर उससे डॉक्टर बनकर खेल रही है, वैसे इसे देख कर ऐसा लगता है इसे कुछ हुआ है नहीं ना, क्योंकि ये तो बिल्कुल फिट एंड फाइन है ना पीयू। डॉक्टर अगर ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेहोश भी हो गई थी तो आप ठीक से एक बार फिर से चेकअप कीजिए ना, आखिर बेहोश होने का क्या कारण हो सकता है। मैं समझ सकता हूँ आप माँ हैं, आपका फिक्र करना लाजमी है, पर मेरा विश्वास कीजिए ये बिल्कुल ठीक है। अब डॉक्टर प्लीज एक बार हमारे कहने पे आप देख लीजिए ना, चाहिए तो हम साथ में हॉस्पिटल चलते हैं, वहीं पर रुक जाएंगे। डॉक्टर ने बोला ना वो बिल्कुल ठीक है, पर करण फिर वो बेहोश क्यों हुई थी? डॉक्टर प्लीज एक बार चेक कीजिए। आप पीहू की माँ हैं? नहीं नहीं डॉक्टर, वो उनकी मदर ये हैं। ओ सॉरी, ये काफी ज्यादा फिक्र कर रही थी और परेशान हो रही थी इसलिए मुझे ऐसा लगा, बट एनीवे मैं बोल रहा हूँ अब ये बिल्कुल ठीक है। पर ये बेहोश कैसे हो गई थी? डर गई थी,
काफी सारे क्रैकर्स की आवाज सुन के ये एकदम से पैनिक हो गई थी और इसलिए बेहोश हो गई, बट ये अब बिल्कुल ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलता हूं मैं। बाय बेटा। बाय। वो आपको बाहर छोड़ देंगे। पीहू, बेटा आरती खत्म होने के बाद मैंने आपसे कहा था ड्रेस चेंज करने के लिए, तो फिर आपने ड्रेस चेंज क्यों नहीं की? मैंने बोला कि ये ड्रेस मत चेंज करो, मम्मा को अच्छी लगी तो मैंने नहीं चेंज करी। मैंने आप हाँ लोग भी ना, अभी अभी तो वो ठीक हुई है, आप लोग बैक टू बैक क्वेश्चन करेंगे तो वो घबरा जाएगी। आई थिंक अभी पीहू को थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। चलो पीहू, थक गई होगी, आओ पीहू। अब इस नकली जलने के निशान से मेरी तारीफ होगी कि मैंने पीहू की जान बचाई। सिंपति मिलेगी मुझे कि कितनी परवाह करती हूं मैं पीहू की, कितनी फिक्र है मुझे उसकी। प्रीता तो अपनी लाइफ डेंजर जोन में डालेगी ही, आफ्टर ऑल माँ जो है, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं। फिर भी पीहू के लिए अपनी जान दांव पे लगा के इन लूथरास के लिए महान बन जाऊंगी मैं। क्या हुआ सोनाक्षी, हाथ कैसे चल गया? दिखाओ। कोई बात नहीं, आप लोग मेरी फिक्र मत कीजिए। पीहू को पटाखों के बीच में देखकर मैं बहुत डर गई थी, तो उसे बचाने के चक्कर में अचानक मेरा हाथ, बट इट्स ओके, मैं पीहू को लेकर थोड़ा टेंस हो गई थी, बट आई एम हैप्पी कि अब बिल्कुल ठीक है वो। सोनाक्षी, पीहू को बचाने के लिए थैंक यू सो मच बेटा। थैंक गॉड तुम्हारा ध्यान तो था पीहू पे, वरना उसकी सो कॉल मॉम तो बहुत बिजी थी तैयार होने में। बुआ, चलें पीहू को उसके रूम में ले जा। नहीं, मैं पीहू को खुद ले जाऊं। नहीं शर्लिन, पीहू को लेके जाओ तुम, मुझे प्रीता से जरूरी बात करनी है। प्रीता, तुमने देखा क्या हुआ और तुम जानती हो क्या हो सकता था? प्रीता, मॉम हो ना पीहू की, जानती हो ना कि दिवाली के दिन पे बच्चों का कुछ ज्यादा ही ध्यान देना होता है, पर नहीं, तुम्हें तो परवाह ही नहीं है पीहू की, किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं। थैंक गॉड फॉर सोनाक्षी, उसने हम सबको अलर्ट किया, वरना पता नहीं आज पीहू के साथ क्या हो जाता। और इसी चक्कर में उसने अपना हाथ भी जला लिया, कितना लगा है इस बिचारी को। करीना बुआ प्लीज, आज दिवाली है, आज के दिन आप सब लोग ऐसी बातें करना मत कीजिए प्लीज। आज दिवाली है और दिवाली के दिन ही हादसे होते हैं। पेरेंट्स बच्चों को पटाखे इसलिए लेके देते हैं क्योंकि पटाखे जलाने में बच्चे खुश होते हैं, लेकिन क्या बच्चा अकेला पटाखा जलाएगा? कोई उसके साथ नहीं होगा, किसी बड़े को तो साथ ही होना चाहिए था। मम्मा, आप करीना बुआ और दादी को समझाओ कि आज दिवाली है, ऐसा सब मत करें, घर का माहौल खराब हो रहा है। ऋषभ, जो हुआ है गलत तो हुआ है, प्रीता जब जिंदगी में बच्चा आता है ना तो अपने साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी ले आता है। वाओ भाभी, कितना प्यार से समझा रही है प्रीता को आज भी। आपको ऐसा नहीं लगता कि कम से कम आज तो इसे इसकी गलती का एहसास दिलाना चाहिए था आपको? गलती की है इसने, लेकिन नहीं, हर बार की तरह आप इससे प्यार से ही बात कीजिए। पर बहुत लोग ऐसे होते भाभी जिन्हें सिंपल लैंग्वेज कुछ ज्यादा ही समझ में आती है। तो प्रीता, मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, तुम मॉम के रोल में फेल हो गई हो। बस बुआ, बहुत देर से देख रहा हूँ आप लोग बोलते चले जा रहे हैं, एक बात बता दूं आप सबको, पीहू की सबसे ज्यादा फिक्र मुझे और प्रीता को है, माँ बाप हैं उसके, और रही बात सोनाक्षी की, मैंने तो नहीं देखा इसे पीहू को बचाते। चुप कर करण, करीना सही कह रही है, माता रानी का शुक्र है कि सोनाक्षी ने हमें अलर्ट कर दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता।
और हम भागे बच्ची को बचाने। सुन के बुरा लगेगा तुम्हें, बट फैक्ट इज अ फैक्ट, तुमसे ज्यादा पीहू की फिक्र सोनाक्षी करती है। वाह, सौ बात की एक बात, तुम अपनी बेटी की तरफ बहुत गैर जिम्मेदार हो। तुम एक अच्छी बेटी तो बन गई, लेकिन एक बेटी की अच्छी मां नहीं बन सकी। जाओ अपने कमरे में, हो गई दिवाली, मना ली हमने दिवाली और खुशियां। आप सबका दिमाग खराब हो गया। ऋषभ बेटा, भाई के कमरे में जाओ और उनसे कहो कि पीहू अब बेटर है, ये सुन के उन्हें अच्छा लगेगा। चलिए मां, मैं जा रही हूँ कमरे में। दिवाली पूजा की आरती है, पति और पत्नी करते हैं। लो प्रीता पत्नी, उतार दी मैंने तुम्हारी आरती, और ऐसी उतारी है कि अब सब मेरी आरती उतार रहे हैं। नहीं हुआ, लेकिन भी हुआ, अगर तुम्हें आज कुछ हो जाता ना तो मैं जी नहीं पाती। भी तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है, मेरी जिंदगी को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? हाँ छोटी सी बच्ची प्रीता, एक छोटा सा एक्सीडेंट था, दैट्स इट, कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ होता था। कुछ हुआ तो नहीं ना, और तेरी दादी और बुआ ने जो कुछ भी कहा उसे दिल पर मत लेना, ओके? दादी और बुआ ने मुझे जो कहा उसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं रही, वो तो घर के बड़े हैं, मुझे कुछ भी कह सकते हैं, मुझे कभी बुरा नहीं लगता। और सही बात भी तो है, मैं गलत होंगी तो डांट तो पिटेगी ना। छोटी सी बच्ची आग के पास चली, अगर उसे कुछ हो जाता तो। कुछ हुआ नहीं, हाँ कुछ भी नहीं हुआ, तो ये सोचने के बजाय कि कुछ हो जाता और स्ट्रेस लेने के बजाय ये सोचो कि कुछ नहीं हो, तुम्हें कितना रिलीफ महसूस होगा। छोटा सा एक्सीडेंट है, हर बच्चा दिवाली पर क्रैकर्स पास करता है, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। अच्छी बात है कि कुछ बड़ा नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं इनफैक्ट, राइट? हर बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता है। वही मैं कह रहा हूँ, हमारे साथ भी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि तुम इतनी परेशान हो रही हो। एक मामूली सा एक्सीडेंट था, बी फाइन, ओके, नाउ रिलैक्स। एक बात हो, तुम बहुत अच्छी माँ, ओके? इतने से थॉट से कि पीहू को कुछ हो जाता तुम इतनी परेशान हो गई। मैं जानती हूँ कि कुछ नुकसान होने से बच गया, लेकिन मेरे दिमाग से एक ख्याल ही नहीं जा रहा है कि इतनी छोटी सी बच्ची के बीच में मेरा दिल बैठा जाता है सोच के। पीहू ना हमेशा तुम्हारे लिए छोटी रहेगी, चाहे वो कितनी बड़ी हो जाए, लेकिन तुम्हारे लिए वो तुम्हारी पीहू ही रहेगी। मेरी मम्मी यही कहती ना, आज भी उनके लिए मैं छोटा सा करण ही हूँ, राइट? फिर से कहूंगा, इट वाज अ स्मॉल एक्सीडेंट, दैट्स इट, रिलैक्स, गो एंड सी हर। मुझे पीहू से मिलना है। इनफैक्ट मैं भी चलता हूँ। हाँ, चल। नाउ रिलैक्स। Jump.